जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ये स्प्लेंडर दिख रही होगी और मैंने इसकी जो सर्विस कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मैंने जब सर्विस कर रहा था तो मैंने इसका जो पिछला वाला जो पहिया है वो खोला, तो जो इसका जो हब है, तो जो इसके अंदर जो कपलिंग रबड़ लगी होती है वो बहुत ज़्यादा कट चुकी है इसके अंदर से। आप जैसे कि आपको चेक हो रही होगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कितनी ज़्यादा कपलिंग रबड़ जो कट रही है, ठीक है गाइज। अब मैं इसको आपको खोल दिया, मैंने इसके अंदर आपको इसके अंदर देख रही होगी कि कितनी ज़्यादा पिले आ रखी है इसके अंदर, कि कितनी ज़्यादा पिले आ रखी है। तो ये पिछली सर्विस पे ही अभी चेंज हुई थी कपलिंग रबड़, आपको ये पुरानी कपलिंग रबड़ दिख रही होगी, मैं इसके अंदर नई इंस्टॉल करूँगा कपलिंग रबड़। तो ये गाइज मैं क्या कहता था आपसे, ये पुरानी सर्विस पे ही अभी रिप्लेसमेंट हुई थी, ठीक है। मैंने कहा भैया जी इसके अंदर ना जो इसकी जो कपलिंग रबड़ है वो बहुत जल्दी ख़राब हो रही है, तो जो आप अपनी बाइक के अंदर एस वाला व्हील डलवाएंगे तो आपकी बहुत जल्दी जल्दी कपलिंग रबड़ ख़राब होगी। इसका कारण है ये अलॉय व्हील, जिससे कपलिंग रबड़ ख़राब होता है।